Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. हम सब लोग इस छोटी सी मनुष्य की जिंदगी को किस तरीके से जीते हैं? हमारे जीने से ही हमारा भूत और भविष्य दोनों ही बनता और बिगड़ता है। ये उम्र बहुत छोटी है। इसके पहले हम अनंत काल जीत चुके और आगे भी हमारे पास में न जाने कितना काल पड़ा है, है ना? न जाने कितनी लंबी संसार यात्रा सबकी बाकी है और न जाने कितना संसार हम जीकर आ चुके हैं। अनंत काल में, अतीत के अनंत काल में हमने न जाने कैसे कैसे कर्म किए होंगे, शुभ अशुभ, तीव्र शुभ तीव्र अशुभ, है ना? बहुत तरह के हमने कर्म किए होंगे। भविष्य काल में हम कैसा कर्म करेंगे वो हम अभी नहीं बता सकते, क्योंकि उस टाइम हमारा विवेक कैसा होगा, हमारे पास बोधि कैसी होगी, हमारे को समझ देने वाला कोई होगा या नहीं होगा, हमें अच्छा संग, अच्छा माहौल, अच्छी गति, अच्छी अवस्था मिलेगी नहीं मिलेगी, हम में से किसी को नहीं पता। किसी को अपना भविष्य नहीं पता, भूत नहीं पता, भविष्य नहीं पता। हमें पता क्या है? जो मिला है अभी वर्तमान, है ना? बस हमारे पास ये जो वर्तमान का जीवन है बहुत संख्यात वर्ष है, अल्प वर्ष है, थोड़े सीमित आयु है हमारी। कितनी का आयु है? 50, 60, 100, बस इससे ज्यादा तो है नहीं। इस संख्यामय जीवन के अंदर, इस सीमित आयु के अंदर हमारा जीना कैसा है, एक छोटी सी जिंदगी कितना तय कर सकती है, कितना तय कर सकती है, अनंत अतीत को बदलने की सामर्थ्य रखती है ये छोटी सी जिंदगी, और अनंत भविष्य को बदलने की सामर्थ्य रखती है ये छोटी सी जिंदगी। इस छोटी सी जिंदगी के अंदर में अगर हमें जीना आ गया, अगर हमें अपने आप को पहचानना आ गया, अगर हमें अपने आप में सुलझना आ गया, तो हम इस छोटी सी उम्र में कुछ ऐसा कर लेंगे, कुछ ऐसी अवस्था में आ जाएंगे कि वो पूरा भविष्य बदल जाए, सुधर जाए, और वो पूरा भूत विसर्जित हो जाए। उसके फल, उसके कर्म, उन कर्मों का प्रभाव, उन सब से हम परे जा सकते हैं, उन सब से मुक्त हो सकते हैं। एक छोटी सी आयु में हमारे पास में इतनी बड़ी संभावना है, ये संभावना बहुत बड़ी है। जैसे एक आदमी हो, करोड़ों पति आदमी हो, अरबों पति आदमी हो, ठीक है, और उसका फैलाव बिजनेस का बहुत लंबा चौड़ा सब जगह पर हो, किसी दिन ऐसा हो कि उसका सारा बिजनेस खत्म हो जाए, लेकिन उसके पास में एक अमूल्य रत्न रह जाए, बेशकीमती रत्न रह जाए। सारा बिजनेस खत्म हो गया लेकिन अमूल्य रत्न रह गया, तो वो व्यापारी बहुत दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसको ये पता है कि इस एक रत्न के सहारे भी मैं वापस अपना पूरा विस्तार प्राप्त कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति कोई राजा पद पर हो, उसका राज्य हो, सब कुछ बहुत बड़ा हो, और किसी दिन शत्रु सैनिक आक्रमण करे और राज्य वाज्य सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन उसने जो गाढ़ा हुआ धन है, वो गाढ़े हुए धन का नक्शा उसके पास है, और वह उस धन को प्राप्त करने की क्षमता रखता हो और धन तक पहुंच सकता हो, तो उसको राज्य खो जाने का भी फिर कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि उसको पता होता है कि जिसके पास में यह संपदा है वो किसी दिन वापस राज्य को प्राप्त कर सकता है। जैसे उस राजा को पास, उस व्यक्ति के पास जिसके पास अमूल्य रत्न है, उसको क्या फीलिंग होती होगी? ऐसी फीलिंग हमें होनी चाहिए कि हमारे पास अनंत अतीत को अभी कुछ ज्ञान नहीं, अनंत भविष्य का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन हमारे पास अमूल्य रत्न है वर्तमान। इस वर्तमान में अगर हमने बोधि प्राप्त कर ली, इस वर्तमान में अगर हमें समाधि में जीना आ गया, इस वर्तमान में अगर हमारे परिणामों की शुद्धि हो गई, इस वर्तमान में अगर हमें अपने चित्त की सारी समस्याओं और भ्रांतियों से परे होकर के जीना आ गया, तो ये वर्तमान ही काफी है अनंत अतीत में खोई गई सारी योग्यताओं, खोई गई सारी शक्तियों को पुनः लौटा के लाने के लिए। हम कितना भी अतिक्रमण कर चुके हैं, हम प्रतिक्रमण कर सकते हैं। हमने भविष्य को नहीं जानते, लेकिन हम उन सबको बदल सकते हैं, हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं केवल इस वर्तमान को साथ करके। इसीलिए इस संख्यामय जीवन को
कैसे जीना, इस सीमित आयु को कैसे जीना, वो हमें सीखना है। अब इसको सीखने के लिए एक सूत्र की बात हम आज करते हैं। एक छोटा सा सूत्र है कि जो बाहर है वो अंदर है, जो अंदर है वो बाहर है। ये सूत्र प्रभु महावीर की वाणी का सूत्र है। प्रभु महावीर ने किसी समय कहा, जब उन्होंने इस लोक का दिग्दर्शन किया अपने भीतर में, पूरे विश्व को जाना अपने भीतर में, तब उन्होंने एक बात कही कि जे अजत्थम जाने से बहिया जाने, जे बहिया जाने से अजत्थम जाने। ये सूत्र आज आचारांग सूत्र के अंदर उपलब्ध है, जहां ज्ञानी पुरुष कह रहे हैं कि जो अजत्थम जाने, जो अपने आप को जानता है, अपने भीतर जानता है, अध्यात्म को जानता है, आत्मा को जानता है, से बहिया जाने, वो पूरे विश्व को जानता है, जे बहिया जाने से अजत्थम जाने। अब इसको हम अपने लेवल पे समझेंगे, क्योंकि सूत्र की व्याख्या तो बहुत अलग अलग लेवल्स पे हो सकती है, लेकिन हम जिस लेवल पर है अभी, हम उस लेवल की बात करें कि आप और हम दुनिया वालों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वही हम अपने आप के साथ करते हैं, हम अपने आप के साथ जो करते हैं वही हम बाहर लोगों के साथ करते हैं, है या नहीं? आप अंदर में अगर उदास हो, बाहर क्या दोगे? उदासियां। अंदर में खुश हो, बाहर क्या दोगे? खुशियां। अंदर में स्ट्रेस्ड हो, टेंशन में हो, लोगों को क्या दोगे? टेंशन, नहीं? और अंदर में टेंशन फ्री हो, मुक्त हो, लोगों को क्या मिलेगा? आपके पास आने मात्र से तनाव मुक्ति का एहसास मिल जाएगा। जैसे फूल के अंदर खुशबू है, बाहर खुशबू फैलती है। सूरज भीतर में प्रकाशित है, जहां रहता है सब जगह प्रकाशित होता है, ठीक है ना? ये सूर्य, चांद, तारे, नक्षत्र, ये सब स्व प्रकाशित है, अपने प्रकाश से प्रकाशित है, इसलिए जहां रहते हैं वहां प्रकाश फैलाते हैं, ठीक है? हम अपने से प्रकाशित होंगे तो जहां जाएंगे वहां प्रकाशित होंगे, लेकिन हम अपने से प्रकाशित नहीं है तो बाहर से हम जो कुछ लेने की कोशिश करते हैं वहां हम फैल हो जाते हैं। अब इस सूत्र को हम अपने व्यवहारिक तल पे समझें तो हमें दूसरों के प्रति जो भी हमारा व्यवहार है, हम ये नहीं कह सकते कि वो आदमी ऐसा है इसलिए हमारा व्यवहार खराब है, हम तो अच्छे आदमी हैं। जनरली हमारी प्रॉब्लम क्या होती है? अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हम क्या कहते हैं? वो आदमी खराब है इसलिए मुझे बुरा व्यवहार करना पड़ रहा है, वरना मैं कभी ऐसा व्यवहार नहीं करता, मैं एक अच्छा आदमी हूं, ये कहते हैं हम, नहीं? वो सुनता नहीं है इसलिए गुस्सा करना पड़ता है, वरना मैं गुस्सा नहीं करना चाहता। गवर्नमेंट ऐसी है इसलिए चोरियां करनी पड़ती है, वरना मैं चोरी नहीं करना चाहता। जमाना ऐसा है इसलिए झूठ बोलना पड़ता है, वरना मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ बोलना चाहता ही नहीं, मैं झूठ बोलता ही नहीं, मैं झूठा हूं भी नहीं, जमाना ऐसा है इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ता है। अपनी हुकूमत चलानी पड़ती है वरना कोई सुनेगा ही नहीं, वरना मैं बहुत विनम्र आदमी हूँ, कभी हुकूमत चलाना चाहता ही नहीं। हम सब के सारे बहाने कुछ इसी तरह के होते हैं ना, होते या नहीं होते? होते हैं। हम सब अपनी कमजोरियों के, अपने दोषों के कारण खोजते हैं बाहर की दुनिया में, और उन लोगों के कारण बता करके अपने आप को हमेशा सेफ साइड लेकर चलते हैं। खुद को एक अच्छा आदमी प्रमाणित करने की कोशिश में दिन रात लगे रहते हैं और अपनी सारी बुराइयों को यह कहकर के हम ढांपते रहते हैं कि दूसरों की वजह से यह करना पड़ता है, वरना हम थोड़ी बुरे, क्यों ऐसे है ना? लड़ाई भी करते तो किस लिए करते? हम नहीं लड़ते, सामने वाला लड़ता है इसलिए हम जवाब देते। छोटे बच्चे भी आपस में लड़ते ना, दो तीन बच्चे, आपके बच्चे आपस में लड़ते होंगे, आप किसी को बोलो, अपने बेटे को बोलो, तू क्यों लड़ रहा है? वो क्या कहेगा? पहले मैं थोड़ी लड़ाई की, पहले दीदी ने मुझे मारा था, पहले दीदी ने मुझे बोला था, दीदी ने मुझे पीटा था, इसलिए मुझे लड़ाई करनी पड़ी, वरना मैं क्यों लड़ता? दीदी को बोलो तूने क्यों मारा था, वो बोलेगी इसने मुझे छेड़ा था इसलिए मारा था। उसको बोलो तूने क्यों छेड़ा था, वो कह मैं नहीं छेड़ रहा था, मैं तो चुपचाप पढ़ाई कर रहा था, दीदी यहां से जोर जोर से बोल के निकल रही थी इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। मतलब पूरी स्टोरी में कारण हमेशा दूसरा रहता है, ठीक है ना? और दूसरे का कारण बना करके हम सब लोग अपनी कमजोरियों को ढांपने की कोशिश करते हैं और फिर हमेशा ये मानते रहते हैं कि मैं तो एक अच्छा आदमी हूं। लेकिन सूत्र कहता है कि अगर आप अच्छे भीतर हो तो बाहर भी हो, और बाहर खराब कर रहे हो व्यवहार तो भीतर भी खराब होंगे, जरा खोज तो लो।
भीतर और बाहर में एक रूपता होगी, खोजो तो सही, लेकिन हम खोजने को जानने को तैयार नहीं होते। ये जो हम अपने ही वास्तविक रूप को जानने से मुकरते हैं, अपने वास्तविक रूप को जानने से छुपते हैं, अपनी आंखों को अपने ऊपर लगाने से डरते हैं कि हमारी नजरें अपने अंदर की चोरियों को न देखे न पहचाने, हमारी नजरें अपने दुर्गुणों को न देखे न पहचाने, ये जो हमारी अवस्था है, इस अवस्था को कहते हैं अबोधि की अवस्था। अबोधि, यहाँ बोध नहीं है। अजागृति की अवस्था, यहाँ जागृति नहीं है, यहाँ क्या है, अज्ञान है। और अज्ञान क्यों? ज्ञान तो है, खुद को खुद का पता किसको नहीं होगा, लेकिन हम अपने आप को देखना नहीं चाहते, हम जैसे वैसा जानना नहीं चाहते, हम सब अपने ऊपर पर्दा लगा करके देखना चाहते। और फिर उन पर्दों के प्रति हमारे मन में, मतलब उस अज्ञान के प्रति, उस आवरण के प्रति हमारे मन में बहुत तरह तरह की विचारणाएं होती है, तरह तरह की धारणाएं होती है। जैसे एक धारणा कि लोग गलत है इसलिए मैं ऐसा करता हूं, ठीक है। ऐसी दूसरी धारणा पता क्या होती है, जैसे आपको गुस्सा आता है, आप झूठ बोलते हो, आप चोरी करते हो, आप बदमाशी करते हो, आप लड़ाई झगड़ा करते हो, आप ओवर पजेसिव होते हो, आप ईर्ष्या करते हो, रोते हो, तो पता है क्या कहोगे? एक धारणा तो ये है कि लोग ऐसे इसलिए मैं करता हूँ, और दूसरी धारणा है इट्स ह्यूमन नेचर ना। लोग क्या बोलते हैं? इट्स ह्यूमन नेचर, गुस्सा आता है तो आएगा ना, आदमी हूँ आखिर, तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? झूठ बोलता हूँ तो बोलूंगा ना, आदमी हूँ। नहीं, लोग अपनी सारी कमियों को कैसे बोलते हैं? इट्स ह्यूमन नेचर, ये तो करना ही पड़ेगा। अब ये तो इंसान है, ये तो सब होगा ही। मतलब हम अपने इन सारे दुर्गुणों के प्रति अबोधि में क्यों रहते हैं, उसका दूसरा कारण ये है कि हम अपनी सारी गलतियों को ये कहकर के टाल देते हैं, इट्स कॉमन, इट इज वेरी कॉमन, आई एम नॉट ए स्पेशल पर्सन। जैसे कोई लोगों को हम कहें ना कि तुम क्षमा में आ रहो, क्यों गुस्सा करते हो, क्षमा कर दो, बोलते मरा साहब क्षमा कर दो, आखिर हम भी तो आदमी हैं, कभी तो गुस्सा आएगा, चलो दो बार क्षमा कर देंगे, तीसरी बार तो गुस्सा आएगा। हमने बोला क्यों गुस्सा आएगा? बोले क्योंकि हम इंसान हैं। मतलब इंसान होने का मतलब गुस्सा करना है क्या? लेकिन हम लोगों ने इस तरह के अंदर में कंडीशनिंग बना रखी है, एक धारणा बना रखी है, एक वैचारिक स्तर पर हमने जमाव कर लिया कि भैया हम जो कुछ भी करते एक आदमी के नाते करना स्वाभाविक है। एक आदमी के नाते अपने परिवार के लिए झूठ बोलना, चोरी करना, माया कपट करना, षड्यंत्र करना, ये सब चीजें इट्स ओके, ये सब ह्यूमन नेचर है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। या तो हम दोष देंगे वातावरण को, या दोष देंगे आदमी होने के कारणों को। लेकिन जो महावीर हुए, जो ज्ञानी हुए, वो भी तो इंसान ही थे, वो भी इसी तरह के समाज के बीच में रहते थे, तब भी सामाजिक और राजनीतिक हालात ऐसे ही थे, बल्कि इससे ज्यादा बदतर थे। जितने आज हमारे पास में राजनीतिक स्वतंत्रताएं हैं, सामाजिक स्वतंत्रताएं हैं, शैक्षिक स्वतंत्रताएं हैं, महावीर के टाइम में तो वो सब भी नहीं थी। ना शैक्षणिक इतने अधिकार हर आदमी के पास में थे, ना राजनीतिक अधिकार थे, ना ही अभिव्यक्ति के अधिकार थे, एक अलग तरह का युग था। ऐसे में भी महावीर जागे, और महावीर जैसे हजारों लोग जागे। क्यों जागे? उन्होंने नहीं कहा इट्स ह्यूमन नेचर, उन्होंने नहीं कहा कि समाज ऐसा है, लोग ऐसे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। वो बोले कि अगर मैं करता हूं तो ये मेरा चुनाव है, अगर मैं किसी के साथ झगड़ा करता हूं ये मेरा चुनाव है, अगर मैं किसी के प्रति झूठ बोलता हूं ये मेरा चुनाव है, अगर मैं चोरी करता हूं ये मेरा चुनाव है, अगर मैं गुस्सा करता हूं ये मेरा चुनाव है, और अगर मैं सच बोलता हूं तो भी मेरा चुनाव है, अगर मैं टेंशन करता हूं ये मेरा चुनाव है। टेंशन करना आपका अपना चुनाव है, स्वीकार करोगे? स्वीकार करोगे? बिल्कुल नहीं। क्या कहोगे? टेंशन मैं तो करना नहीं चाहता, पर हो जाती, लोग दे देते। नहीं, टेंशन आप नहीं भी लोगे तो लोग आपको टेंशन दे देंगे। नहीं, दुख आप नहीं भी लोगे, लोग आपको दुख दे देंगे, ऐसे ही ना। हम सारे लोग इस तरह की सोच में डेवलप हुए कि मैं तो टेंशन लेना ही नहीं चाहता, पर लोग दे देते हैं, माहौल देता है, समाज देता है, दुनिया देती है, अथवा इट्स ह्यूमन नेचर, तो होगा। ये दोनों ही तरह के हमारे बहाने हमारी अजागृति का कारण है, ये हमारी अबोधि है। इस अबोधि की वजह से हम इतना सुंदर जीवन, इतना प्यारा धर्म,
सुंदर ज्ञान हमें मिला भी, लेकिन हमारी ये अबोधि दूर होती नहीं, अजागृति दूर होती नहीं, हमारी ये धारणाएं दूर होती नहीं। और ये जो धारणा है ना, ये धारणा ही मिथ्यात्व कहलाती है। ये जो हमारी गलत सोच है ना, इसी गलत सोच को मिथ्यात्व कहते हैं। और ये मिथ्यात्व यानी गलत समझ इतनी गहरी हमने पकड़ रखी है कि हमें राइटली नजर आ सकता है कि जो बाहर है वो अंदर है, जो अंदर है वो बाहर है, वो हमें नजर नहीं आता। अगर सम्यक दर्शन हो, दर्शन सम्यक हो यानी समझ सही हो, अनुभव सही हो, तो हमें खुद को दिखलाई पड़ेगा कि जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। लेकिन हमारा दर्शन सम्यक नहीं है तो हमें क्या दिखलाई पड़ता है? अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। अंदर में तो मैं अपने आपको बहुत अच्छा आदमी मानता हूं, बाहर में मैं झगड़ा करता हूं। ये अंदर बाहर में फर्क क्यों आया? मैं गुस्सा करना नहीं चाहता, मैं गुस्सा करता हूं। मैं टेंशन लेना नहीं चाहता, मैं टेंशन लेता हूं। ये फर्क क्यों है? क्योंकि हमारी समझ मिथ्या है। मिथ्या दर्शन जब तक रहता है तब तक ये महावीर की वाणी कह दो, आगम वाणी कह दो, ज्ञानियों के वचन कह दो, ज्ञानियों का अनुभव कह दो, ये हमारा अपना अनुभव नहीं बन सकता। हम सुन भी लेंगे ना, हमारा अनुभव नहीं बनेगा, हमें समझ नहीं बनेगी वो। इसीलिए हजारों वर्ष बीत जाते हैं ना लोगों को प्रवचन सुनते हुए, लेकिन वो बातें उनकी अपनी समझ नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि वो जो गलत समझ की पकड़ है ना, वो समझ ही नहीं आते कि गलत समझ की पकड़ कितनी गहरी है। और गलत समझ, गलत धारणाएं, ये इतनी गहरी हमारे जेहन में जम गई है, इसी को मिथ्यात्व मोहनीय कहते हैं। इस मिथ्यात्व मोहनीय से जब तक कोई आदमी बाहर नहीं आता, तब तक उसको सम्यक दर्शन नहीं होता, उसको अंदर और बाहर का एक रूप, एक साम्राज्य दिखलाई नहीं पड़ सकता। ऐसे ही हम लोग ये भी बहाना बनाते हैं, दिल में तो बहुत प्यार है पर गुस्सा करता हूं, दिखलाता हूं। अंदर में तो बहुत कोमल हूं, बाहर कठोर दिखलाता हूं। ये क्यों दिखला रहे हैं हमें ऐसा, पता है? क्योंकि हमें लगता है कि भेद तो रखना ही पड़ेगा। यहां भी एक धारणा काम करेगी आदमी के अंदर में कि अगर मैं कोमल हूं, बाहर भी कोमल रहूंगा, दुनिया मुझे जीने ही नहीं देगी, सब लोग मेरे को वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, सब लोग मेरा मिसयूज करेंगे, इसीलिए मैं सरल हूं तो भी जटिल बन के रहता हूं, कोमल हूं तो भी कठोरता का आचरण करता हूं, बाहर दिखलाता ऐसा हूं ताकि कोई मुझे मेरा मिसयूज ना कर ले। ये भी एक धारणा है कि कोई मेरा मिसयूज ना कर ले। कोई कैसे कर सकता है मिसयूज? कोई कैसे आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकता है? क्योंकि कोई कुछ नहीं लेता, आप जो सोचते हो वही रिफ्लेक्ट होकर के आपको मिलता है। हम जो सोचते हैं दुनिया वालों के प्रति, वही चीज रिफ्लेक्ट होकर वापस हमको आती है। दूसरा बुरा नहीं सोच रहा आपके बारे में, दूसरा आपका कोई मिसयूज नहीं कर रहा है, आपने सोच लिया कि मेरा मिसयूज हो रहा है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मेरा मिसयूज हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ये आपको लगता है, ये क्यों लगता है? क्योंकि आपने ऐसी बातें सुनी, बाजार में ऐसी बातें होती है, घरों में ऐसी बातें होती है, किताबों में ऐसी, मूवीज में ऐसी बातें होती है, सीरियल्स में ऐसी बातें होती है, वो सीरियल और मूवी के डायलॉग्स हम अपने ऊपर लागू करना स्टार्ट कर देते हैं, हम अपने घर में ले जाते हैं, हमें लगता है वो जो सीरियल में होती है ना वो बातें सच है, हमारे यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, मूवी में होती है वो बातें सच है, हमारे यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। अरे मूवी और सीरियल की जो बातें हैं वो आपका अनुभव नहीं है, लेकिन आप जानबूझ करके उसका अपना अनुभव बना लोगे और कहोगे कि अगर मैं सरल होऊंगा तो लोग मेरे को टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। ये वर्ड सीख लिया, यूज करना स्टार्ट। हकीकत है, इस दुनिया में कोई आपके साथ में ज्यादती कर ही नहीं सकता है, जबरदस्ती कर ही नहीं सकता है, कोई आपका दुरुपयोग कर ही नहीं सकता है। लेकिन ऐसी सोच बाजारों से हमने अपने दिमाग में घुसा ली और तब हम अपना दर्शन समकित नहीं होने देते। हमें अगर दर्शन समकित होगा तो ये सूत्र सीधा सीधा समझ आएगा कि जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। अगर मैं किसी के प्रति दुर्व्यवहार करता हूं तो मैं वैसा हूं, नहीं होता तो नहीं करता। अगर मैं क्रोध करता हूं तो मेरा चुनाव है क्रोध करना। अगर मैं झगड़ा करता हूं तो मैंने झगड़ा करना चुना है, मैं झगड़ालू हूं, ये मेरा चुनाव है। कोई आदमी इतनी सच्चाई से अपने क्रोध को स्वीकार कर ले, अपनी ईर्ष्या को स्वीकार कर ले, अपनी चोरी को स्वीकार कर ले,
अपनी माया को स्वीकार कर ले कि मैंने चुना है ये ढंग, वो व्यक्ति बाहर के दोषों को अब बाहर आरोपित नहीं करेगा, वो बाहर के हर दोष को कहेगा मेरा देखने का अपना यही तरीका है, इसलिए मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा बनता हूं, मैं ऐसा व्यवहार करता हूं, क्योंकि जो मैं अंदर हूं वही मैं बाहर हूं। अगर जैसे ही आदमी ने अपने दोषों के प्रति इतनी सच्चाई से उनको स्वीकार करना स्टार्ट किया, वैसे उसके दोष खत्म हो जाएंगे, वरना सदियां बीत जाती है, दोष खत्म ही नहीं होते। लोग जप तप सब कुछ करते हैं लेकिन दोष और दुर्गुण जहां विराजमान है, विराजमान है नहीं। हम देखते हैं आदमी ने मस्कवण किया लेकिन ईर्ष्या हटी नहीं, अहंकार हटा नहीं, लालच हटा नहीं, है ना। हम देखते हैं आदमी इतना दान करता है लेकिन अभी भी अंदर में कंजूसी, पकड़, अभिमान की भावना, चोरी की भावना, अनैतिक धंधों में लिप्तता, ये तो सब इसकी मौजूदगी मौजूद है। तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि यार ये इतना करते फिर कुछ होता तो है नहीं। तो नई पीढ़ी क्या कहती है, हमारे को तो ऐसा देख के धर्म पे कभी आस्था ही पैदा नहीं होती। यही कहते हो ना कि हम जो सो कॉल्ड धार्मिक लोगों को देखते हैं, वे लोग छोटी छोटी चीजों के लिए इतना झगड़ा करते हैं, तो उनको देख करके लगता ही नहीं है कि धर्म में कुछ होता भी है या धर्म जैसी कोई चीज भी है। ऐसा लगता है कि फिर धार्मिक स्थलों में जाना किस लिए। तो हम तो इसलिए चले जाते हैं क्योंकि जब कोई वो पोजीशन आते हैं, जब महावीर जयंती आती है, जब कोई बड़ा दिन आता है, तो बड़े दिनों में सबको जाना चाहिए, इसलिए हम चले जाते हैं। बाकी सब कुछ देख के धर्म के प्रति आस्था तो कोई पैदा होने का सवाल नहीं है। और ये वाकई है, आस्था पैदा नहीं होती है। पता है क्यों नहीं होती? क्योंकि जो धारणाएं है ना हमारी, ये धारणाएं हमें दुर्मुखी बनाती है। हमारे अंदर मुख कुछ, बाहर मुख कुछ, अंदर चेहरा कुछ, बाहर चेहरा कुछ, अंदर हम कुछ बोलते हैं, बाहर हम कुछ बोलते हैं। और ये जो हमारी दुविधाग्रस्त जिंदगी है, यही दुविधा, दुविधाग्रस्त जिंदगी जो है यही नरक है, यही द्वंद है, यही कर्म बंधन है, यही मिथ्यात्व मोहनीय है। और ये दुर्विधाएं क्यों है? क्योंकि हमने इन दुर्विधाओं के ऊपर कभी निगाह नहीं डाली कि हमारी गलतियां कहां हैं। हमने अपने ही दोषों के प्रति कभी निगाह नहीं डाली कि दोष क्यों है। अब क्या कहते हैं, तपस्या करेंगे कर्म कट जाएंगे। अरे भाई इतनी तपस्या कर ली फिर मानसिकता तो बदली नहीं, गुस्सा तो गया नहीं, डर तो गया नहीं, लालच तो गया नहीं, तो फिर तपस्या से कर्म कहां कटे? सवाल पैदा होता है ना। तो केवल तपस्या से नहीं कटेंगे, पहले दर्शन की शुद्धि होगी तो तपस्या कर्म से कर्म कटेंगे। और दर्शन की शुद्धि का मतलब समझ की शुद्धि, और समझ की शुद्धि का मतलब क्या, अपनी गलत समझ को समझ पाना, अपनी गलत समझ को समझ पाना तो दर्शन की शुद्धि होगी। अब गलत समझ क्या है, अभी हमने तीन पॉइंट्स बताए। पहला पॉइंट हम क्या कहते हैं, लोगों की वजह से मुझे करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट हम क्या कहते हैं, ह्यूमन नेचर है। तीसरा पॉइंट हम क्या कहते हैं, दिखाना पड़ेगा नहीं तो फिर लोग हमको लूट के ले जाएंगे, बनना पड़ेगा, अपना एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा नहीं तो लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। इस तरह से हमने अपने ऊपर एक धारणाएं बना रखी, ठीक है ना। इन धारणाओं की वजह से हम भीतर कुछ है बाहर कुछ है, ओके। उपाय क्या है कि हम जैसे है वैसे एक्सेप्ट कर लेना कि गुस्सा मैं करता हूं, मेरा चुनाव है गुस्सा करना, चोरी मैं करता हूं, मैंने चुना चोरी करना, और अगर मैं बिना चोरी के बिजनेस करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं। बोलोगे कि मैं कर सकता हूं? आज भी ऐसी नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज है जो कोई भी चोरी नहीं करती लेकिन बड़ा लेवल पे काम करती है। उनकी सोच ऐसी है कि खुद फेयर रहो, जैसा अपने लिए चाहते हो वैसा सबके लिए दो, खुद नकली माल नहीं चाहते, दूसरों को नकली माल मत दो। वो इतना सीधा सोच पाते हैं इसीलिए वे लोग ग्रो करते हैं, शांति की जिंदगी जीते हैं, भीतर में सफलता पाते हैं, टेंशन फ्री रह पाते हैं। और हम लोग इतने छोटे से घर, छोटी सी दुकान, छोटा सा परिवार, छोटा सा समाज, कितने घर होंगे समाज में, 40-50 घर होंगे, लेकिन सब में तना तनी रस्सा कशी, वाद विवाद, ऊपर कुछ अंदर कुछ, तेरा मेरा, ये सब कुछ क्या है, क्यों है?
हम बहाना देंगे कर्मों का फल है जी। कौन से कर्मों का फल है? हमारे अपने अज्ञान का फल है, हमारी गलत समझ का फल है, और हमारी गलत समझ भी हमारा अपना चुनाव है। हम चाहते तो सही समझ ला सकते अपने अंदर में, क्योंकि सही समझ हमारा स्वभाव है, गलत समझ फॉरेन एलिमेंट है, बाहर का प्रभाव है। तो सही समझ लाओ, यानी अपनी अबोधि के प्रति बोधपूर्ण हो जाओ, अपने मिथ्यात्व के प्रति सजग हो जाओ। जो व्यक्ति अपने मिथ्यात्व के प्रति सजग हो पाता है, अपने से गलत सोच के प्रति सजग हो पाता है, वही व्यक्ति का दर्शन समकित होता है। मिथ्यात्व को जानने से ही सम्यक्त्व आता है, मिथ्यात्व को बिना जाने सम्यक्त्व नहीं आता। श्रवण सूत्र कहता है कि मिच्छत्तम परियाणामी सम्मत्तम उव संपवच्छामी, कि मैं मिथ्यात्व का परिज्ञान करता हूं और सम्यक्त्व को समझ के स्वीकार करता हूं। ये मिथ्यात्व समझो, मिथ्यात्व है इस तरह की धारणाएं, बहाने, वैचारिक आवरण, मास्क लगाना, ये सब मिथ्यात्व है। हम मास्क लगाते हैं ना, बहाने बनाते हैं, ये सब मिथ्यात्व है। इनसे हम समझदार बने और अपनी अबोधि के प्रति बोधपूर्ण होते जाएं, तो पता क्या होगा, समझ बदलते ही हमें समझ में आएगा कि मैं जिसके प्रति जो कुछ करता हूं वो किसी और के प्रति नहीं करता, अपने आप के प्रति करता हूं। और मैं अपने आप के अंदर जो कुछ सोचता हूं, ऐसा मत सोचो कि मैं अपने अंदर सोच रहा हूं बाहर को नहीं पता लगेगा। हम अपने अंदर जो सोच रहे हैं बाहर पता लगता है, लगता है या नहीं? आप अभी बैठे हो सब प्रवचन हॉल के अंदर, आप में से कोई व्यक्ति सोचे यार बहुत बोर मार रहा है, घर जाना है, हाँ? आप सोचो, तुरंत रिफ्लेक्ट होगा, पता लगेगा प्रवचन बंद करने का टाइम हो गया। और आप में से कोई सोच रहा है नहीं समझ आ रहा है, तो ये भी बात रिफ्लेक्ट हो रही है। और आप में से कोई सोच रहा है कुछ आ ही नहीं सकता समझ, ये भी बात रिफ्लेक्ट हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूं, आप अपने घर में बैठे हो, आप जिसके साथ व्यवहार कर रहे हो, जिनके साथ डील कर रहे हो, आप सोचते हो कि मैंने तो मन में सोचा है इसके प्रति बुरा, इसको क्या पता लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको पता लगता है। जैसे आपको औरों के मन का पता लगता है, आपके मन का औरों को पता लगता है। जे अजत्थम जानाई से बहिया जानाई, जो अंदर बोल रहे हो वो बाहर होगा, जो बाहर कर रहे हो वो अंदर होगा। आप नहीं कह सकते बाहर कर रहा हूं अंदर नहीं है, बाहर कर रहे हो तो अंदर भी है, और अंदर है तो बाहर भी प्रकट होगा। इसीलिए दोनों के अंदर, अंदर और बाहर के अंदर जो भेद हमने डाल रखे हैं, उन भेदों को हटाओ। मत सोचो कि मन में कुछ होगा तो क्या हुआ, बाहर तो अच्छा बोलूंगा मैं, नहीं। मन में बुरा रख करके बाहर अच्छा बोलने की कोशिश भले कर लो, लेकिन आपके मन का भी पता बाहर दुनिया को लगता है। और आने वाले टाइम में ये सूत्र और इतनी आसानी से समझ आएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसी मशीनरी इजाद होने वाली है जो कि आप जो सोचोगे ना वो वर्ड्स दिखलाई पड़ेंगे। जैसे अभी आप जो टाइप कर रहे हो वो सामने वाले व्यक्ति को तुरंत पहुंच रहे हैं, ठीक है ना? पहले कभी सोचा था ऐसा हमने कि ऐसी मशीन आएगी कि मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ और दुनिया में कहीं बैठे हुए आदमी को तुरंत मिल रहा है? नहीं सोचा था ना। आने वाले टाइम में ऐसी मशीन आ जाएगी कि आप केवल दिमाग में चल रहा होगा ना विचार, वो बाहर स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। अब आप कुछ बुरा सोच कैसे सकते हो, क्योंकि जैसे ही अंदर सोचोगे बाहर आ जाएगा। वो युग मशीनों के द्वारा आएगा। महावीर ने बिना मशीन के वो बात कही कि जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। इसीलिए अपने आप को ठीक कर लो, बाहर ठीक हो जाएगा। व्यवहार ठीक कर लो, अंदर ठीक हो जाओगे। बाहर जो अभिव्यक्त हो रहा है उसको ठीक करो। आप मत कहो इस आदमी के प्रति बुरा इसलिए हूं क्योंकि आदमी बुरा है, मत कहो। आपके अंदर बुराई है, आपके आपने बुरा करने का चुनाव किया है इसलिए आप बुरा कर रहे हो, और आप अच्छा चुनाव कर सकते हो ताकि आप बुरा ना करो। यह आपका चुनाव है। अगर इतना एक व्यक्ति अपने चुनाव के प्रति सजग हो जाए तो इस छोटी सी जिंदगी को इस तरीके से जीने का रास्ता चुनेगा कि उसके अनंत अतीत के सारे कर्म दूर हो जाए और सारा भविष्य उज्ज्वल हो जाए। वो अपने भूत भविष्य दोनों को ही ठीक कर सकता है इस छोटी सी जिंदगानी से। इसलिए जिंदगानी को लोगों ने क्या कहा, हमारे स्वेगडांग सूत्र के अंदर एक बात आती है,
कि ये जो जिंदगी है ना, दुर्लहे खलु मानो से भवे नो सुलभम पुनरावी जीवियम। ये दुर्लभ है मनुष्य जन्म और सुलभ नहीं है पुनः ऐसा जीवन मिलना। इसीलिए ये जो बोधि हमें मिली है, इस बोधि का रेस्पेक्ट करो। अगर अब भी बोधि का रेस्पेक्ट नहीं किया तो आने वाले टाइम में बोधि मिल पाएगी। वो कहते दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। संभो ही खलु पेच्च दुर्लहा, बाद में संबोधि मिलना दुर्लभ हो जाएगा। संभो ही खलु पेच्च दुर्लहा, बाद में संबोधि मुश्किल है, अभी ही हो जाए। तो ये छोटा सा जीवन मिला है, इसमें संबोधि प्राप्त करो। इस जीवन का उद्देश्य है संबुद्ध होना, बोधि प्राप्त होना, सही समझ होना। यानी अपनी गलत समझ की समझ हमें हो जाए तो हमारी समझ ऑटोमेटिकली सही हो गई, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो अपनी गलत समझ की हमें समझ हो जाए, ऑटोमेटिकली हमारी समझ सही हो जाएगी। और समझ सही हो गई तो जीवन सार्थक हो जाएगा। बिना समझ के जप तप कितना भी आराधो कुछ होने वाला नहीं है। और सही समझ से थोड़ा भी तप मुक्त कर देगा, ठीक है। तो सही समझ लाओ। अपनी गलत समझ के प्रति जो मिथ्यात्व है, जो बहानेबाजियां हैं, जो धारणाएं हैं, जो डर है, जो माया है, उन सब को जानो और कहो मेरा चुनाव था, आज से मेरा वो चुनाव नहीं। आज से मैं झूठ बोलने को नहीं चुनता, बहाने को नहीं चुनता, कपट को नहीं चुनता, लड़ाई को नहीं चुनता, क्रोध को नहीं चुनता। मैं बिना क्रोध के भी व्यवहार का जवाब दे सकता हूँ, बिना क्रोध किए भी मैं बहुत अच्छा व्यवहार कर सकता हूँ, मैं हर परिस्थिति को हैंडल कर सकता हूँ बिना डरे भी, बिना झूठ बोले भी। चुनो कि मैं हर परिस्थिति को बिना झूठ बोले हैंडल कर सकता हूँ, ऐसा बोलने वाले बनो। मैं बिना चोरी किए हर प्रकार के बिजनेस को कर सकता हूँ, सच रहने वाले बनो तो सही। आप चुनाव करो, देखो फिर जितनी कठिनाई आएगी, हर कठिनाई में आप राइट को चुनाव करते जाना, आप राइट सेलेक्ट करते जाना, ऑटोमेटिकली हर कठिनाई आपके लिए सफलता का शिखर बन जाएगी। जय हो।